हेलो फ्रेंड्स, मीनास किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। ये बनने वाली है बिल्कुल ढाबा स्टाइल, पर हम इसको स्मार्ट तरीके से बनाएंगे और कम से कम इंग्रेडिएंट में बनाने वाले हैं। फिर भी हम इसके टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। तो ऐसी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हम ढाबा स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसके अंदर हम थोड़े से खड़े मसाले लेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है वो ही लेने वाले हैं हम। तो दो दालचीनी, दो लौंग और एक इलायची मैंने यहाँ पे ली है। इतने मसाले काफ़ी हो जाते हैं हमारे लिए। इसके अंदर मैंने 4 देगी मिर्च डाली है। जो मेरी देगी मिर्च है वो कम तीखी है, तो अगर आपकी मिर्च साबुत मिर्च तीखी है तो आप इसको 2 ही डालिए। इसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़ीरा पूरा चटक जाए उसके बाद आप काजू डाल दीजिए। तो काजू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप मूंगफली भी डाल सकते हैं इसके अलावा, या तो तिल भी डाल सकते हैं। और 10 से 12 हमने लहसुन की साबुत कली ही ली है। तो ये रेसिपी हम स्मार्ट तरीके से बनाने वाले हैं, तो हमारा टाइम बहुत ही कम जाने वाला है, और तो भी इसका टेस्ट एकदम बरकरार रहने वाला है। सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं, उसको मैंने लंबा कट कर लिया है। इसको कट करने के में शेप आप मत देखिए, कोई भी आप रफली ही चॉप करना है, क्योंकि आगे हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ये मैंने रफली चॉप ऑनियन ले ली है, कांदा ले लिया है 3 मीडियम साइज़ का, वो डाल देते हैं और सब कुछ मिक्स कर देते हैं। कांदा को हमने ब्राउन कलर का नहीं करना है, खाली हमें ट्रांसपेरेंट हो इतना ही पकाना है। इसको गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भुने बिना इसका सेम टेस्ट आने वाला है, तो हम ऑनियन को अच्छी तरह से भून लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक, उससे ज़्यादा नहीं भुनना है। इसके बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर के रफली चॉप पीस करके डालेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी ये क्लिप मिस हो गई थी, तो मुझे माफ़ करना इसके लिए। तो मैंने टमाटर डाल दिए, इसमें 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और इसको मैंने ढक के 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही होने देना है। इसको बीच बीच में 1-2 बार हम चला देंगे। तो हमें टमाटर को इतना ज़्यादा नहीं गलाना है, खाली थोड़े सॉफ्ट टमाटर हो जाए इतना ही हमें भुनना है इसको। तो ये 5 से 7 मिनट में आराम से हो जाएंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और मसाले को 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। अभी इसको हमें फिर मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो मसाले से पूरी गर्मी निकल जाए, आपको जो जल्दी हो तो ये इसको आप ठंडे पानी में रख दीजिए, नीचे कोई प्लेट रख के, तो वो फटाफट से ठंडा हो जाएगा। सारे मसाले को हम एक ग्रेवी बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें, टमाटर की ही हमें ग्रेवी हो जाएगी। तो ऐसी हमें पेस्ट कर लेनी है, इसको छानने की ज़रूरत नहीं। अभी एक बॉल ले लेते हैं, बॉल के अंदर हमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, 1.5 टीस्पून सादी जो मिर्ची है वो खाने में यूज़ करते हैं वो डाल देंगे, और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डालेंगे। तो कश्मीरी मिर्च डालने के बाद कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो हम सब्जी पहले देख के खाते हैं फिर खाना खाते हैं, तो दिखने में भी वो अच्छी होनी चाहिए। तो एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं,
और 1 टेबल स्पून बटर डाल देते हैं। दोनों गरम हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर साबुत जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। मैंने यहाँ पे तेज पत्ता के छोटे छोटे 2 टुकड़े डाले हैं। आप 1 तेज पत्ता डाल सकते हो। जीरा को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखिए। जीरा जब भी चटक जाए तभी हमने जो सूखा मसाला किया था वो मसाला डाल देंगे। और अभी हमें यहाँ पे फुल ध्यान रखना है। 1 मिनट तक हमें इसी तरह से इसको चलाना है। पर यह बात खास ध्यान रखनी है कि हमारा मसाला बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है और नॉन स्टॉप चलाना है और हमें पूरा मसाला अच्छी तरह से चलाना है। तो मैंने यहाँ पे स्किप नहीं किया है ये वीडियो, ये मैं पूरा भून के आपको दिखाने वाली हूँ ग्रेवी डालने तक। देखिए हम मसाला बिल्कुल जल नहीं रहा है और अच्छी तरह से भुन गया है। अभी हम इसके अंदर ग्रेवी डाल देते हैं और वो मिक्सर जार है उसमें थोड़ी सी रह गई है तो उसके अंदर हम 1/2 कप पानी डाल देंगे और उसको साइड में रख देंगे। ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून मावा डाल देंगे, खोया डाल देंगे। ये आपके पास नहीं है तो एकदम स्किप कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास तो घर पे पड़ा था इसके लिए मैंने डाला है, एकदम ऑप्शनल है। इसको मिक्स कर देते हैं ग्रेवी में और हम यहाँ पे 1 चम्मच मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है, खोया नहीं है तो आप मलाई डबल कर दीजिए, मलाई आप 2 चम्मच डाल दें तो सेम ही टेस्ट आएगा उसका। अभी हम यहाँ पे फ्रोज़न मटर डाल देते हैं। तो ये स्टेज पे हमें मटर डालना है अगर ये फ्रोज़न है तो। अगर आपके मटर है वो फ्रेश है तो आप जब भी ग्रेवी डाल देते हो तभी आप मटर डाल दीजिए, और या तो फिर आप अलग बर्तन में पानी डाल के मटर को बॉईल भी कर सकते हैं अगर आपके मटर फ्रेश हैं तो। यहाँ पे हमने जो ग्रेवी वाला पानी बचा था, मसाला जिसमें हमने पानी डाला था वो डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही होने देंगे। इसके अंदर हम कसूरी मेथी डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जितनी, और 1 टीस्पून जितना गरम मसाला डाल देते हैं। और इसके अंदर हमें ये स्टेज के ऊपर पनीर डालना है। तो फ्रेंड्स मेरा ये पनीर घर का बना हुआ है, ये 400 ग्राम पनीर है। उसकी रेसिपी आपको चाहिए, ये मैंने दूध फाड़ के नहीं बनाया है, ये मैंने बाय प्रोडक्ट मेरा पनीर बन गया है। तो इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए। पनीर को हमने ग्रेवी में डालने से पहले 1 घंटे से पहले हमें फ्रीज से बाहर निकालना है ताकि पनीर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और चुई नहीं हो। ग्रेवी को मिक्स कर दीजिए पनीर के साथ, इसको ढक दीजिए 5 मिनट तक ताकि मसाला अच्छी तरह से पनीर में
आ जाओ। इसका कलर एकदम बढ़िया आया है और खुशबू मेरे किचन में बहुत ही डिलीशियस आ रही है। अगर आप यहाँ पे होते तो आपको मालूम पड़ता कि हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अभी हमें एक नेक्स्ट स्टेप ढाबे वाला करने वाले हैं। इसके लिए हमें चारकोल लेना है और इसको गैस की आंच के ऊपर रख दीजिए और इसको गरम कर लीजिए। ये स्टेप एकदम ऑप्शनल है, पर ये स्टेप करेंगे तो आपको फिर बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा। इसको फ्लैट कटोरी में ले लीजिए और कटोरी को ग्रेवी में बीचों बीच रख दीजिए। इसके अंदर हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे। आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी डाल सकते हो। और फटाफट से आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और इसको 30 से 40 सेकंड तक ही हमें रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। भी कटोरी को हटा देते हैं। ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना बटर डाल देते हैं। हमारी सब्जी एकदम बराबर से बढ़िया से बन के रेडी हो गई है। इसको हम एक बॉल में ले लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही हो। और एक बार ये सब्जी आप बनाएंगे तो आप ढाबे में सब्जी कभी नहीं खाना चाहेंगे, आप घर पे ही बनाएंगे ये सब्जी। इसको हम मलाई से और धनिया से गार्निश कर देंगे। और ये हमारी मटर पनीर की सब्जी रेडी है। दिखने में जितनी डिलीशियस है, खाने में उससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। तो ज़रूर से बनाइए ये, कोई भी गेस्ट आए तो ये सब्जी एकदम बेस्ट है।